तो ये है हुसैन भाई, काफी अच्छा इन्होंने हमें रूम दिया और खाने की भी सजेशन इन्होंने ही दी थी। थैंक यू हुसैन भाई, बड़ी मेहरबानी, वेलकम शुक्रिया। सर, थैंक यू जी। वेलकम। अभी हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ, होटल से निकल आए अपने से, रूफ की तरफ जा रहे हैं। रूफ टॉप पे बैठ के क्लास नाइट उसके व्यू के साथ जो है नाश्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भैया? सर ये जो सामने नज़र आ रहा है ये काकलास्ट मीडियो है सर। काकलास्ट है ये सारा? जी जी, यहाँ पे फेस्टिवल होता है मार्च अप्रैल मई में, क्योंकि यहाँ पे जो ना लश ग्रीन होता है। तो अभी जो सीज़न है वो ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह अब अगले साल आए मई के महीने में, मई के महीने में तो यहाँ फेस्टिवल होता है, पोलो होता है, क्रिकेट होता है। सर जो सामने जो नज़र आ रहे बादलों में जो छुपा हुआ वो जो है ना सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बूनी। और मेरे बैक पे आप जो देख रहे हैं ये है काकलास्ट मेडो, और बिल्कुल टॉप पे जो है वो है तिरचमीर पीक, जो कि अभी बादलों के पीछे छुपी हुई है और नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हम मैं बोस्तान रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने कल रात डिनर किया था, बहुत ही मज़े का और कमाल का इनका खाना था। इस वक्त हम यहाँ पे आए हैं ऑल सेट, बिल्कुल रेडी हो के, और यहाँ पे जो है अब हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद आज की राइड को हम स्टार्ट करेंगे अपने होटल से। और आज का जो प्लान है सो फार वो ये है कि हम जाएंगे सबसे पहले काकलास्ट मेडो, काकलास्ट मेडो एक्सप्लोर करने के बाद हम सीधा जाएँगे चित्राल, और वहाँ से जाएँगे कैलाश वैली। जनाब क्या नाम है आपका? शरीफ अहमद खान। शरीफ अहमद खान जी। आपका? नबी अहमद। नबी अहमद। और आपका? मुदस्सर शाह। मुदस्सर शाह। ओके, अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं, अपनी राइड को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे काकलास्ट मेडो और उसके बाद हम जाएंगे कैलाश वैली की तरफ। क्या नाम बताया था आपने? शहबाज हुसैन। शहबाज हुसैन, ओके शहबाज, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर विजिट सर, वी आर हियर टू सर्व यू, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन वेरी सून सर। आई नो यू आर सो टाइट, सो हैव अ सेफ जर्नी एंड हैव अ सेफ राइड ब्रदर। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है हुसैन भाई, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। ओके भाई सर, ऑफिस टाइम हो रहा है जनाब 11:30 बज गए, आज हम थोड़ा सा लेट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाह का नाम लेके आज के सफ़र को शुरू कर रहे हैं। वो सामने खूबसूरत सा काकलास्ट मेडो है, ऑल्दो इट्स ड्राइड अप नाउ, क्योंकि ये बिल्कुल स्प्रिंग में जो है ना, बहार के सीज़न में सही ग्रीन ग्रीन होता है, लेकिन फिर भी एक माइलस्टोन है वो हम देखेंगे, टॉप से देखेंगे नीचे का व्यू। सो इंशाल्लाह जो है यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, अभी हम निकल रहे हैं बूनी से। बूनी काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सारे ही बैंक्स तकरीबन हैं और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। हमें हमारे रास्ते में जो सबसे बड़ा शहर हमें मिला था वो हमें मिला था गाकूच। गाकूच के बाद हमें जो बड़ा शहर मिला था वो था क्या नाम था उसका, गोपिस। गोपिस के बाद अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं तो आपको बूनी जो है सबसे बड़ा शहर मिलेगा, यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, होटल्स भी अच्छे अच्छे हैं और सही ज़बरदस्त किस्म के, जैसा कि आपने देखा है लास्ट व्लॉग में भी और आज सुबह के नाश्ते में भी आपने देखा है कि रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। चलें जनाब सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पे PTDC का जो है मोटल भी है। रोड की कंडीशन आप फिलहाल देख रहे हैं, सुनने में यही है कि आगे जो रोड है चित्राल का बहुत अच्छा है। यहाँ से ऑल गुड, कितने किलोमीटर्स है काकलास्ट यहाँ से? 10 किलोमीटर था, राइट। चलें जी, मस्त मक्खन मलाई रोड आज मिल रही है हमें, और जैसे ही मैंने बोला साथ ही कच्चा स्टार्ट हो गया। सो रोड आज की बड़ी बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह आज का सफ़र हमारा आसान रहेगा। पिछले व्लॉग में जैसा कि आपने देखा 120 किलोमीटर शदीद किस्म वाली ऑफ रोडिंग की है और लग पता गया और मज़ा आ गया।
तो यहाँ से हमने लेना है राइट टर्न टूवर्ड क्लास मैडो, तो दिस इज द राइट टर्न, क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ। आर वी गोइंग राइट, मैप सही कह रहा है? रोड कंडीशन इज़ गुड। वो नीचे जो जंगल नज़र आ रहा है वो सारा का सारा बूनी है और बड़े मज़े का दरिया बह रहा है। सो यहाँ से अब हम कोई भी ट्रैक ले सकते हैं और एक ये बना हुआ है मेडो सा माउंटेन टॉप के ऊपर, और यहाँ से तिरचमीर भी नज़र आएगी अगर मौसम हो गया क्लियर। सो ये सारा का सारा कैलाश मेडो है, ड्राई हुआ है, उतना इतना मज़े का कोई सीन नहीं है क्योंकि ये बाहर में जो है सही खिलता है, ग्रीन हो जाता है, अब सब कुछ जो है येलो हो गया है। बाहर में क्या लगता है यार, ये जब सब कुछ ग्रीन होता है, ये सामने वाले पहाड़ भी ग्रीन और जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं ये भी दोनों तरफ घास होती है, बीच में ये ट्रैक, तो इसका पीक सीज़न जो है वो मई का महीना है, मई में ये फुल ग्रीन होता है। चलें जी इस ट्राई पे देखते हैं क्या सीन है। देखते हैं बाइक चढ़ती है या नहीं। यस 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 मोमेंटम, वो आगे तो रोड ही नहीं है, ऊपर है क्या ऐसा? ध्यान से, बहुत ध्यान से भाई, चीखे निकल गया अभी। हाँ अभी भी वाई बी आर वाले जो है ना, यामाहा वाले, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं पंप कर रहा हूं, तमार भाई यू डिड इट, तमार भाई यू डिड इट, क्लच पंप पे आ गया, ओह यू डिड इट ब्रो, एंड यस यस यू डिड इट मैन, यस क्लैपिंग फॉर द अमर भाई, यस भाई, जो खुशी आपको बेशक फेक लगी होगी बहुत असल वाली है भाई, बहुत ऊंची चढ़ाई है। एक पिक्चर भाई उधर से, एक पिक्चर अहमद प्लीज, थैंक यू सो मच माय टाइगर, यू नेवर डिसअपॉइंटेड मी। ओके अब चलते हैं आगे, बॉयज उधर से आ रहे हैं, अगर उनको वहां से भी बाइक चढ़ पाई तो, क्योंकि मेडो तो यही वाला मजे का है। क्लाश से हम आ गए नीचे और ये पहली मार्केट आ रही है, यहाँ पे रुकते हैं, कुछ जूस वगैरह पीते हैं बॉयज, थोड़ा सा ना ये सामने शॉप है, इधर से आपका सामान भी देख लेंगे, ये यहाँ पे रोकते हैं बॉयज, थोड़ा जूस वगैरह लेते हैं इन द मीन टाइम, रमीज आपके लगेज को भी ज़रा सेट कर लेते हैं। Thank you.
यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है कि इवन कैलाश से निकलने के बाद कैलाश के अंदर ही इतनी स्ट्रॉन्ग विंड थी कि ड्रोन चलना वहाँ मुश्किल हो रहा था। ड्रोन बार बार एरर दे रहा था स्ट्रॉन्ग विंड्स का और हमसे खुद खड़ा नहीं हो जा रहा था। और यहाँ पे वही हालत है कि यहाँ पे भी इतनी तेज़ हवा है कि यहाँ पे बाइक चलाना मुश्किल हो रहा है, बाइक लेफ्ट राइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं यहाँ पे। चित्राल का यहाँ से बताया जा रहा है लोकल गाइड के तकरीबन हमें 2 घंटे लग सकते हैं चित्राल पहुँचने तक, मे बी बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन। रोड तो वैसे अच्छी है लेकिन हो सकता है रश आगे मिले डिफरेंट इलाकों में, तो हो सकता है इस वजह से जो है हमें 2 घंटे लग जाएँ चित्राल तक। वैसे लग हमें यही रहा है कि हम इंशाल्लाह 1.5 घंटा लगाएंगे पहुंच जाएंगे। ओह माय गॉड, ओह स्लो 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 स्लो। अरे यार ये क्या भाई, इतनी तेज हवा यहाँ पे टर्न लेते साथ ही मेरी बाइक खुद ही कुछ कर रही है भाई। या अल्लाह खैर करियत से आज का सफर गुजरे, बड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा तेज हवा है कंटिन्यूसली जो है, बाइक बिल्कुल अनस्टेबल जा रही है। ओ इस मोड़ पे फिर हवा तेज होगी, ये देखो ये, ओ ओ स्लो भाई स्लो 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 स्लो, सही देखो किधर जा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है चलाना यार। चित्राल यहाँ से 44 किलोमीटर एंड आफ्टर सो लॉन्ग, काफ़ी टाइम चलाने के बाद जो है हमें जाके कोई एक वैली नज़र आई है नीचे, मतलब जो ग्रीन ग्रीन है, बाकी तो सारा कुछ ड्राई है, रफ है और विंड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे बाइक तेज चला ही नहीं जा रही। और दूसरा रोड जगह जगह से जो है लैंडस्लाइड की वजह से डाइवर्जन भी हुई हुई है, तो ये वाली वैली की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल, सही वाली जो है घास लगी हुई है। और यहाँ पे जो है अभी घास मतलब मीन के जो फसल लगी हुई है वो अभी ग्रीन है, जैसा कि जीबी के अंदर फंडर वैली और बाकी स्कोमन वगैरह साइड पे वहाँ पे ऑलमोस्ट येलो हो चुकी थी गंदम, मतलब जैसे तैयार हो रही हो, तो यहाँ पर अभी मतलब ग्रीनरी बाकी है, वहाँ पर सब कुछ जो है येलो हो रहा था और ऑटम सीजन का जो है ना स्टार्ट लग रहा था। वाह लकड़ी वाला ब्रिज, साइडों से बिल्कुल लोहे का है और यहाँ सेंटर से जो है इसके अंदर लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, पता नहीं इसकी क्या लॉजिक है। यहाँ से जो है मैं कराता हूँ चेन लुब्रिकेट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत है यार, ज़रा ये चेन टाइट करके ऑयल लगा देना। इंटरकॉम डिवाइस जो है चार्ज ख़त्म, इसको मैं चार्ज पे लगा दूं, 4 साल हो गए यार इसकी, अब बैटरी जो है फारिग हो रही है, तो इसको मैं अब चेंज करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये रही इसकी केबल, इसको लगाते हैं चार्ज पे, ये लग गई। चेन को लुब्रिकेट कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि वो अब वो है ना आवाज़ ही दे रही थी चेन। और ये चेक करो अभी फिर यहाँ पे ना, वो जैसे कल आपको दिखा रहा था ना पत्थर छोटे छोटे क्रैश ना स्टोन, वो नीचे आए हुए हैं, मतलब कच्चा पहाड़ लग रहा है। ऑलराइट टाइम आपने देख लिया और अभी हम एक जगह बड़ी प्यारी सी नज़र आई यहाँ से, एक वाटरफॉल नहीं नाला कह लें, गिर रहा था तो वहाँ पर हम रुके हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और उसके बाद थोड़ा सा मतलब रेस्ट भी होगी नमाज़ वगैरह के साथ साथ,
तो अभी निकलेंगे आगे की तरफ और चित्राल यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में 30 किलोमीटर्स होगा, मोस्ट प्रोबेबली 30 किलोमीटर ही रह गया होगा, तो देखते हैं उसमें हमें कितना टाइम लगता है। सो यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी और ये जाय नमाज थी, नमाज पढ़ ली यहाँ पे, यहाँ पे बैठने की भी जगह है और ये दो लोग बैठे हैं। नेवर एंडिंग रोड ऑफ चंदूर चित्राल, बिल्कुल बोरिंग, थका देने वाला और ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ी सी ठीक होती है फिर डाइवर्जन, मतलब लैंड स्लाइड एरिया जहाँ पे आता है, जैसे कि ये सामने आ गया तो यहाँ पे फिर मिट्टी और खड्डे जंप, सो इट मेक्स यू टायर्ड। और यहाँ पे फिर चेक पॉइंट है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे रोकेंगे, लेट्स सी। नहीं यहाँ पे कोई नहीं रोका, बहरहाल यहाँ पे पुलिस चेक पॉइंट था। एनी हो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे के क्या सीन है। राइट, सो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पंचर का मसला था, जो कल पंचर लगवाया था वो दोबारा खुल गया और अहमद की बाइक का ये तीसरा टाइम है कि उसका रियर व्हील पंचर हो रहा है। वेल ये तो बस अल्लाह की तरफ से आई हुई है, लिखी हुई है तो बस आ जाता है, पंचर हो गई। सो अभी यहाँ पे मुझे मिला है बशारत, बशारत इज़ माई क्लास फेलो और ही बिलोंग्स टू चित्राल। तो अभी अचानक बैठे बैठे ये जो भाई खड़े हैं सामने, और ओके भैया बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इनकी आवाज़ मुझे ऐसे लगी जैसे बशारत बोल रहा है, तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जानते हैं बशारत को, तो ही सेड के यस आई नो हिम। तो फिर उसने कॉल की तो बशारत आ गया, अभी वो आगे के जा रहा है गाड़ी में। अब 5 बज चुके हैं, 4:45 हो गए हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है डे लाइट अगर हम देखा जाए। वैसे 6:30 तक जब सूरज गुरूब हो जाता है, और देखते हैं कि अब हमारा क्या प्लान बनता है। आज हम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, एक्सप्लोर कम किया, टाइम ज़्यादा वेस्ट किया है। कैलाश का प्लान है, अब देखते हैं हम नाइट स्टे कहाँ पे करते हैं, क्योंकि अब हमारी रात कैलाश में ही आ रही है, तो जो कल का हमारा रिटर्न जर्नी है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा होने वाला है। पंचर? ये टायरों वाला है। आप रुको ना, मैं इसको रोकता हूँ, कर क्या रहा हूँ। सलाम अलैकुम जी, कैसे हैं, खैरियत है? शुक्र है, ज़बरदस्त शुक्र है। भाई हैं बशारत के? अच्छा, कैसे हैं, खैरियत है? थैंक यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। वो पता नहीं उसके टायर का क्या मसला आ रहा है, 4थी दफ़ा रोक रहा है आज। डॉक्टर साहब ये हमारे लास्ट मेरा ये डॉक्टर डाल है,
अच्छा सही 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 सही। चलो फिर मैं आता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम दोस्त को ना ड्रॉप करके आता हूँ। तुम ड्रॉप करके आगे कहीं रुक जाओ ना, ये साथ ही है, ये आगे बाजार है। बस बाजार में तुम रुक जाओ ना, तुम इधर ना हो वापस। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम चित्राल। और दूसरी टाइम जो है अहमद की बाइक पंचर हुई है आज, सेम 20 मिनट के अंदर जैसे ही पंचर लगवाया वहाँ से थोड़ा सा ही चले गए चित्राल शहर, एंटर होने से पहले दोबारा पंचर हो गई। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, अब इसका पूरा टायर खुलेगा और हम सोच रहे हैं कि ट्यूब चेंज करते हैं। यहाँ पे इसका टायर ओपन हो रहा है, इस शॉप पे जो है टायर ओपनर नहीं थे, इनके पास टूल्स नहीं थे, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे पास अपने टूल्स थे तो वही यूज़ करके ये टायर खोल रहे हैं। और इसमें डालेंगे हम ये वाली ट्यूब एंड सी, तो इसलिए आप अहमद को कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। यार वो ट्यूब तो निकलेगी ना, वो कैसे करेंगे, नहीं बैठ सकते, पंचर लगवा के तो बैठ जाएगा। गुड गुड। यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, बशारत गए आगे, वो आता है तो देखो क्या प्लान, उसका क्या प्लान है। अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है, तो देखते हैं पहले तो ट्यूब चेंज हो, फिर देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। सो फाइनली टायर जो हो गया फिक्स, ये आ गया पुल, यस यहाँ से राइट चौक से ना, हाँ पुल क्रॉस करके ना उधर रुकते हैं। अब उसने ये नहीं बताया, ओ आई लव चित्राल के सामने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो सामने चेक करें बॉयज, आई लव चित्राल, इसके सामने बाइक से रुकते हैं, ठीक है आ जाओ दोनों तरफ देख के। अच्छा हाँ बोले, डबल इंडिकेटर ऑन करो। अच्छा चलें, दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। ये हैं जनाब रमीज़ भाई जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, से थैंक्स टू हिम, और इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसी बात पे जाके सब्सक्राइब मारें। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं बशारत के साथ, बशारत घर लेके जा रहे हैं हमें, और अभी कौन सी जगह पे गुजर रहे हैं नहीं पता, कुछ भी ख्वार हो गए। हाँ मेन चित्राल है, और ये बशारत ने बताया कि वो जगह है जहाँ पर जो है फ्लड आता है तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मेन सिटी को, क्योंकि हमारी राइट साइड पर सारा दरिया गुजर रहा है। ओहो पोलो खेली जा रही है, पोलो ग्राउंड है ये, चित्राल का पोलो ग्राउंड, क्या बात है जनाब बुल ब्रिज की। ओहो सो ग्रेट 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 ग्रेट। ऑल राइट, इस वक्त हमें चित्राल के व्यू पॉइंट पे हिल टॉप पे खड़े हैं, नीचे चित्राल का अच्छा सा व्यू आ रहा है। तकरीबन 6:15 बज चुके हैं, और बिशारत कितना टाइम लगेगा घर तक? बस 15 मिनट पे इंशाल्लाह हम बिशारत के घर पे होंगे। यहाँ पे हमने ड्रोन फ्लाई करने की कोशिश की, लेकिन चित्राल एयरपोर्ट बिल्कुल साथ है तो ड्रोन यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर रहा था। तो अभी आप एक GoPro का शॉट देखें और फिर मिलते हैं आपको बिशारत के घर पे। तो अभी जो है खाना खाने लगे हैं, थोड़ा सा लाइट का मसला है यहाँ पे, तो इसलिए जो है काला काला सब कुछ नज़र आ रहा है। तो आज के डिनर में वैसे तो सारी चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आज हम खा रहे हैं एक ट्रेडिशनल डिश जो कि आप सामने अभी देख रहे हैं, और एक रोटी सी बनी है, इसके अंदर कुछ है। हाँ ओके, इसको क्या कहते हैं बशारत? गजमंदी। थोड़ा सा मुझे बोलिए, गजमंदी। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।